अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही क्रिस्पी स्पाइसी लेमन चिकन रोस्ट की रेसिपी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह बाहर से जितना क्रिस्पी है उतना ही अंदर से जूसी और कुक्ड है। यह बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है और इसे बनाना भी काफी आसान है और इसे स्नैक्स के रूप में भी बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। तो आइए स्पाइसी और माउथ वाटरिंग चिकन रोस्ट की रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। चिकन हमने 1 kg लिया है और इसे अच्छी तरह धोकर साफ कर लिया है और इसके ऊपर इस तरह से कट के निशान लगा दिए हैं जिससे मसालों का फ्लेवर इसके अंदर तक जा सके। अब हमें चिकन को मैरिनेट कर लेना है। सबसे पहले इसमें नमक ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दीजिएगा। हमने 1.5 teaspoon नमक ऐड कर दिया है और इसी के साथ आधे नींबू का रस निचोड़ देंगे। नींबू का साइज अगर बड़ा हो तो हाफ यूज कीजिएगा और अगर छोटा हो तो पूरा 1 नींबू का रस इसमें डाल दीजिएगा। 1 tablespoon लहसुन का पेस्ट और इसी के साथ 1 tablespoon अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 teaspoon काली मिर्च का पाउडर, 1 teaspoon जीरा पाउडर, 1 teaspoon लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और इसी के साथ कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 teaspoon ऐड कर देंगे। 1 teaspoon चाट मसाला पाउडर और 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और अब इसकी बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे 3 tablespoon बेसन। बेसन के साथ ही ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 2 tablespoon। वन टीस्पून खसखस ऐड करेंगे। खसखस डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आप इसे ज़रूर डालिएगा। अब चिकन के साथ सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह मिला लेना है। 2 से 3 drops इसमें ऑरेंज फूड कलर मिला लेंगे, यह बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप ना डालना चाहें तो स्किप कर दें। इसमें पानी हमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन के सारे पीसेस में मसालों की अच्छी तरह कोटिंग हो चुकी है। इस तरह मैरिनेट करने के बाद अगर आपके पास टाइम हो तो 2 से 3 घंटे के लिए आप इसे फ्रिज में रख दीजिए और अगर आप जल्दी में हो तो आप इसे तुरंत भी बना सकती हैं। वैसे 1 घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे ऑयल हमने गर्म कर लिया है। एक टूथपिक डालकर आप इस तरह चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बबल्स बन रहे हैं। हमें बिल्कुल इतना ही गर्म ऑयल में चिकन को फ्राई करना है। अब एक एक कर चिकन के पीसेस इसमें डाल देंगे। एक ही बार में हमें बहुत ज्यादा भर के नहीं डालना है। आसानी से अच्छी तरह फ्राई हो जाए बस उतने ही पीसेस हमें इसके अंदर डाल देना है और यहाँ पे हमें फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। इसे मीडियम फ्लेम पे ही हमें अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसे फ्राई करते हुए हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। यहाँ पे आप इसकी कलर देख सकते हैं, यह बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। यह देखिए कितना क्रिस्पी और गोल्डन फ्राई हो गया है। अब इन सभी को हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी के पीसेस भी हमें फ्राई कर लेनी है। यह देखिए यह भी अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। यह इतना ज्यादा क्रिस्पी फ्राई हुआ है कि हमें इसे दोबारा फ्राई करने की जरूरत नहीं है। तो आइए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यह लीजिए, माउथ वाटरिंग चिकन रोस्ट बनकर हमारा तैयार है। यह बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी बनकर तैयार हुआ है। इसे मैं तोड़कर आपको दिखाती हूँ। यह देखिए, यह बाहर से जितना ज्यादा क्रिस्पी है ना, उतना ही अंदर से जूसी है और परफेक्टली कुक्ड है। आप इसे हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व कर सकती हैं। यह बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है और आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी हमसे शेयर कीजिएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुक विद लाडली को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।